लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और जो हिंसा करेगा उसका हश्र यही होगा। वो युवाओं को बरगलाने में कामयाब हो गया था, लेकिन अब युवा समझेंगे, उनको समझना होगा, उनको समझना चाहिए भी कि अंजाम क्या होता है। आप एक लोकतंत्र में जहां संविधान से देश चलता है, वहां पर कानून व्यवस्था है, वहां पर आप हाथों में पत्थर लेकर कानून व्यवस्था का पालन करने वालों पर पत्थर बरसा रहे हैं, आप उनकी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, खुद की जिंदगी तो खतरे में डालिए, लेकिन ये होगा नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में क्लियर मैसेज है, ये क्लियर संदेश है, ये कड़ा संदेश है कि यहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर आप कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे। पहले किया होगा लेकिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये बुलडोजर एक्शन की आप तस्वीरें देखें, दो तस्वीरें देखें, पहले क्या हुआ था, मेन गेट को तोड़ दिया गया, बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया, और उसके बाद साइड से जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये लाइव एक्शन है, लाइव एक्शन आप देख रहे हैं, क्योंकि पहले इसकी क्राइम कुंडली खंगाली गई, हिंसा में नाम सामने आया, क्राइम कुंडली खंगाली गई और पता चला कि अवैध निर्माण किया गया है। अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आप देख रहे हैं। जावेद पंप को पुलिस ने अटारा में हुए घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया है और कई संगीन आरोप लगे हैं, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया चलाता है। लेकिन अभी सलाखों के पीछे जावेद अहमद, सलाखों के पीछे अपनी पार्टी चलाते हैं, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, उसके झंडे भी आपने थोड़ी देर पहले देखे होंगे। लेकिन एक देखिए, अब आप एक तस्वीर पूरी तरह से साइड से क्लियर आपके सामने आ गई होगी, ध्वस्तीकरण एक जो है पूरा के पूरा दीवार तोड़ दी गई है और धीरे धीरे इसी तरह से सारी दीवारें तोड़ दी जाएंगे, सारे पिलर तोड़ दिए जाएंगे, यानी कि वजूद मिटा दिया जाएगा इस मकान का। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप लगातार एक्शन की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। जावेद पंप को गिरफ्तार किया गया था, मास्टरमाइंड बताया गया था, और अब धीरे धीरे ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है, ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हिंसा हो गई जुमे की नमाज के बाद। अभी तो कनेक्शन उजागर किए जा रहे हैं, कनेक्शन की जांच हो रही है कि क्या एक दूसरे से कहीं कनेक्टेड तो नहीं थे, कनेक्शन एक राज्य एक जिले से दूसरे जिले से कहीं कनेक्शन तो नहीं था, क्या एक ही व्यक्ति के द्वारा किया गया तो नहीं था, क्योंकि अभी धीरे धीरे रांची तक सहारनपुर कनेक्शन उजागर हुआ है, तो ऐसे में कनेक्शन की जांच पुलिस करे। लेकिन एक तस्वीर आप ये देखिए, अब आप भीतर तक देख पा रहे होंगे, मलबा देखिए, ये मलबा ही अब मलबा नीचे पड़ा हुआ नजर आ रहा है, ये जावेद अहमद का घर है और अब सब टूटता हुआ सा दिखाई दे रहा है, उसके इरादों को तोड़ दिया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूसरों के जो अभी भी हौसले रखे होंगे, किसी ने बनाए हुए होंगे, वो उन हौसलों को छोड़ दे, त्याग दे, लोकतंत्र में प्यार से प्रेम से मोहब्बत से रहें। लेकिन आप देखिए कार्रवाई लगातार हो रही, संतोष हमारे साथ लगातार है। संतोष, विरोध के स्वर आज सुनाई नहीं दिए, ये अच्छी बात रही? जी सवाल दो रहे संतोष, विरोध किसी ने नहीं किया, इस तरह के स्वर सुनाई नहीं दिए, ना तस्वीरें आई, ये एक अच्छी बात रही? देखिए विरोध जो करेगा उसका अंजाम उसको सामने दिखाई पड़ रहा है। विरोध किया था इन लोगों ने, सड़क पर उतर करके हिंसक प्रदर्शन किया, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, तो उसका अंजाम सामने दिखाई पड़ रहा है। और जब अंजाम सामने हो तो कोई ऐसे अंजाम को भुगतना नहीं चाहेगा। यही वजह है कि कानून को अपने हाथ में लेने वाले जावेद पंत के इस घर को गिराकर शासन प्रशासन यह बताना चाहता है कि किस तरीके से अंजाम होगा। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी अफसरों को साफ कहा था कि इस मामले में ऐसी नजीर पेश करने वाली कार्रवाई करनी है जिससे कि दूसरे लोग भी जो हलवा करें, जो हिंसा करें, उनको कम से कम कानून का खौफ हो, उनको बताया जा सके कि अंजाम क्या होगा। तो इसी के तरीके से यही वजह है कि लगातार जो कार्रवाई हो रही है, लेकिन कहीं पर कोई विरोध नहीं हो रहा है। भले ही शुक्रवार को जुमे की नमाज के वक्त जो बच्चे थे, जो नाबालिग बच्चे, उनके हाथों में पत्थर थमाकर उनको आगे किया गया, उनको ढाल बनाकर एक पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, लेकिन आज वो बच्चे दूर है और जो साजिश करता उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। तो ये उन बच्चों के लिए भी मैसेज है कि अगर उनके जो आका है, जो मास्टरमाइंड है, जो साजिश करता है, जिन्होंने उनको पत्थरबाज बनाकर सड़कों पर उतारा था, अगर उनके घर पर बुलडोजर चल सकता है तो कानूनी कार्रवाई की इज्जत में वो भी आएंगे, और जब वो आएंगे तो जाहिर है कि उनके भविष्य का नुकसान होगा। यही वजह है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने साजिशकर्ता जिसने पूरी घटना की प्लानिंग रखी उसके घर को निशाना बनाया, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्राइम कुंडली खंगालने के बाद पता चला कि यह घर अवैध है, बिना नक्शा पास कराए बनाया गया, जो मानक के अनुसार नहीं है, और जिसको पहले ही नोटिस दिए जा चुके थे उसी मकान पर गिराया जा रहा है। और ये महसूस किया जा रहा है कि कानून से खिलवाड़ करने वाला अगर साजिशकर्ता जो आका है वो नहीं बच पाया, उसकी संपत्ति नहीं बच पाई,
तो बाकी उनके प्यादों की क्या हैसियत होगी, ये सीधे से मैसेज दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जी बिल्कुल संतोष, अंजाम यही होगा जो इस वक्त तस्वीरों में दिखाया दे रहा है। जावेद पंप वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश महासचिव भी है और प्रदेश महासचिव है, ऐसे में इसकी पहुंच थी लोगों तक, इसकी युवाओं में पहुंच थी क्योंकि घुलता मिलता था, मिलता जुलता रहता था, ऐसे में युवाओं की मानसिकता के साथ खेला। प्रॉब्लम यह है, समस्या ये है कि युवा खुद से नहीं पढ़ते हैं, ऐसे में ये बस उनके दिमाग में जो जहर भरता है वो देख। अब आप ये देखिए भीतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बुलडोजर भीतर दाखिल हो गया और कमरे के भीतर की आप तस्वीरें देखेंगे, काफी अच्छा पेंट किया गया लेकिन आप देखिए सब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ तस्वीरें नजर आई थी दीवारों पर, कुछ कोट्स लिखे हुए थे लेकिन समस्या यही है कि उन कोट्स पर अमल करता तो आज ये नौबत नहीं आती। बुलडोजर धीरे धीरे भीतर दाखिल होता हुआ, भूतल में इस वक्त ये बुलडोजर है और टुल्लू पंप का काम किया करता था जावेद पंप का भी, और टुल्लू पंप का काम करते करते इसके नाम के आगे पंप जुड़ गया लेकिन अब आप देखिए इसके मकान को ध्वस्त किया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन चल रहा है, बुलडोजर एक्शन इस वक्त चल रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं।